नहीं धुलवा सकता। कबाड़े में उसकी वैल्यू ज्यादा तो 50,000 रुपये 70,000 रुपये कटेगी वो गाड़ी, लेकिन 70,000 रुपये और 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये वैल्यू रखाते हैं ना, तो इसलिए गाड़ियाँ वैलिड हो जाती हैं और होना ही चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स जो है मेरे हिसाब से वैलिड करना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट रूल्स निकाल देती है, लेकिन अच्छा है जो लोग ख़त्म पेपर पर गाड़ी चला रहे हैं उन्हें नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा एक डर बैठना चाहिए ताकि मतलब अभी 15 साल भी इसको हो जाएंगे तो फिर भी 1 लाख रुपये का धन है, 1 लाख रुपये मैं इसे कभी भेज दूंगा। और ना और एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसा अभी मैं 2012 मॉडल कोई सी भी गाड़ी मैं अगर खरीदने जा रहा हूँ, अभी 2000 मॉडल मतलब अल्टो खरीदने जाऊंगा अभी, तो ये मान के चलो कि वो वैल्यू उसके आ रही है अभी 1,30,000-40,000 की गाड़ी है मेरी। अब मेरी अदरवाइज क्या होता है कि मैं गाड़ी देख रहा हूँ, अगर मैं लोकल में पुलिस वाले भी हैं तो मेरी गाड़ी वो ज्यादातर चेक नहीं करेंगे, ज्यादातर मतलब 85% मैं बता रहा हूँ ज्यादातर चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके सामने ही घूम रही है गाड़ी, है ना, वो भोपाल में इंदौर मार्केट में गाड़ी क्या है कि इंडस्ट्रियल 6 मॉडल मेरे हिसाब से और कम की मिल जाती है, मतलब ये मान के चलो कि 3-2.5 लाख रुपए तक भी मिल जाती है 2006 मॉडल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई मैं आज कोई कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ गाड़ी को, लोडिंग हो अपना, मार्केट तो बहुत ज़्यादा डाउन है और डाउन ही है, पता नहीं क्या मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको बताऊँगा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। और आज एक बहुत प्यारी सी कमेंट्स है हमारे एक भाई कर रहे हैं, उनका मैं रिप्लाई करूँगा। और वो जो सवाल कर रहा है बहुत शानदार से एक न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, बहुत शानदार से एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ठीक है। बने रहा है व्लॉग के अंदर, लाइक कर दें वीडियो को, चलते हैं अपना अपनी जीतों के अंदर जीतों। तो दोस्तों हमारे पास सवाल आया है बहुत शानदार सा, हमारे पूछते हैं दुनिया जेब में भाई है, जो हमारे भाई साहब हैं वो पूछते रहते हैं सवाल, कॉमेंट करते रहते हैं हमेशा, मेरे से जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि बढ़िया सपोर्ट करेंगे आगे भी और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आपका मैं जवाब देना चाहता हूँ भाई जी को, नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे कमेंट पर वीडियो बनाते हो और आज तक आपने मेरे कई कमेंट पर वीडियो बनाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है आपको मतलब एक जानकारी आप जो पूछ रहे हो मुझे देना, ये रियल इन्फो व्लॉग का एक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी कमेंट करते रहेंगे मुझे जिस सवाल का, ऐसा नहीं मतलब कमेंट्स तो और भी आती हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि हाँ यार ये इस सवाल का मुझे जवाब देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाता ही हूँ। और थैंक यू सो मच, मैं आपसे भी कहूँगा क्योंकि आप भी भाई कमेंट्स कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरा आज का सवाल है टाटा 407 पर ही कि इंदौर मार्केट पर टाटा 407 गाड़ी जो कि 4 पहिए का है, यहाँ टाटा 407 ट्रक 2006 या 2005 के बीच का है और यहाँ मिल जाती है 3.5 लाख से लेकर 3,45,000 तक, ठीक है। लेकिन भाई जी क्या इतनी पुरानी टाटा 407 टेम्पो लेना उचित होगा? क्या इन पर 15 साल का ब्रेकेट नहीं लगेगा? और अगर लगेगा तो यह मार्केट में बिक कैसा रहा है? तो बहुत प्यारा सा कमेंट किया है आपने, मतलब बहुत ही जबरदस्त कमेंट किया है 15 साल वाला। मैं एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ 15 साल वाला। अभी जो गवर्नमेंट का एक रूल्स है 15 साल को लेके, और देखो गाड़ी सिर्फ इंदौर मार्केट में नहीं है, हमारे यहाँ कोरावर में भी चल रही है, भोपाल मार्केट में भी खूब चल रही है, हर जगह चल रही है, 15 साल का एक वैलिड जो खत्म हो जाता है, ठीक है। और 407 मतलब 2006 मॉडल मेरे हिसाब से और कम की मिल जाती है, मतलब ये मान के चलो कि 3-2.5 लाख रुपए तक भी मिल जाती है 2006 मॉडल 5 मॉडल 407, ठीक है। और रही बात इनकी चलने की, तो चलने की मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट में चलेंगी क्यों नहीं, अगर किसी बंदे ने जैसे मिसाल के तौर पर मैं भाई ये जीतो है, ठीक है, ये जीतो है और मैंने इसको पर्सनल नहीं उठाई है पहले से, और मैं अभी तक 15 साल हो गया जीतो को,
उसके बाद पेपर वापस वैलिड करवा सकता हूँ अगर गाड़ी सही चल रही है तो। भाई पुरानी गाड़ियां जो होती हैं 407 वगैरह, ये मतलब मैं मानता हूँ कि ये मेंटेनेंस ही नहीं है इन गाड़ियों का। मतलब इंजन तो इतना सॉलिड है आज भी इन गाड़ियों का कि मैं बता नहीं सकता। और गियर वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह सब मतलब चीजें एक नॉर्मल सी हैं इनका। अल्टरनेटर, सेल्फ स्टार्टिंग, इंजन सब मतलब एक नॉर्मल सा है। इसमें कोई ऑटोमेटिक वाला कोई मामला नहीं है। गाड़ियां वो बर्बाद हो जाएंगी जैसे ये जीतो है। आजकल की जो गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक आ रही है वो इतने दम मुझे लगता नहीं कि वो टेकेंगी, इतने दिन इतने टाइम तक वो चलेंगी। जो पुरानी चीज थी ना, पुराना चावल, जो पुराना बोलते हैं ना बड़े लोग के, पुराना चावल पुराना ही होता है, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब रही बात जो आप पूछ रहे हो कि ये मार्केट में चल क्यों रही है इनके ऊपर, जो 15 साल वाला जो वो टैक्स मतलब जो पेपर खत्म होने वाला जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वो निकला इन रूल्स कि 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, वो ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन वो वैलिड भी हो सकती है। वो बहुत से लोग ऐसे चला भी रहे हैं कि नॉर्मल। अब जैसे मैं हूं ना, अभी एक मैं बताऊं आपको कि जैसे मार्केट में लोकल की गाड़ी है मेरी, अब मेरी अदरवाइज क्या होता है कि मैं गाड़ी देख रहा हूं, अगर मैं लोकल में पुलिस वाले भी हैं तो मेरी गाड़ी वो ज्यादातर चेक नहीं करेंगे। ज्यादातर मतलब 85% मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके सामने ही घूम रही है गाड़ी, है ना। भोपाल में इंदौर मार्केट में गाड़ी क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कबाड़खाने में ऐसी चलती रहती है जो पुलिस वालों की नजरों में आती रहती है। और बहुत से लोग क्या है पैसा भी बांटते हैं, जैसे व्यापारी है कोई बड़ा, है ना, कोई बड़ा व्यापारी है तो वो उसकी गाड़ी चल रही है तो उनकी एक जैसे कबाड़खाने का बड़ा काम है उसका, या कोई कंपनी का बड़ा काम है। अगर ऐसी कोई गाड़ी है तो वो पेपर जैसे मतलब ओवरलोड भी गाड़ी भरते हैं वो, है ना। जैसे बड़ी गाड़ियों में एक लिमिटेड वजन रहता है, अगर वो इतना पास है उतना ही, तो उनका क्या हफ्ता महीना बना रहता है, ये एक प्रॉब्लम उनको इसलिए भी नहीं आती है। और दूसरी चीज में एक कुल मिला के आपको बिल्कुल सीधी 100% सीधी एक बात समझाता हूँ, मैं बाहर निकल के समझाता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे 15 साल का जो ब्रेक है गाड़ियों पर लग रहा है, ठीक है, 15 साल का ब्रेक जो है, अभी मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ये जीतो है, ठीक है, ये जीतो है और 2017 से और अभी 2024 चल रहा है, तो आप खुद जोड़ लीजिए 2024 4 साल ये है और मतलब 7-8 साल समथिंग हो चुके हैं और अभी इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपये। आराम से 1,80,000 2 लाख रुपए में इसे बेच सकता हूँ मैं, गाड़ी ओके है, अपने बीमा फिटनेस सब कंप्लीट है तो, ठीक है। और अगर मतलब अभी 15 साल भी इसको हो जाएंगे तो फिर भी 1 लाख रुपए का धन है, 1 लाख रुपए में इसे कभी बेच दूंगा। और ना, और एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसा अभी मैं 2012 मॉडल कोई सी भी गाड़ी मैं अगर खरीदने जा रहा हूँ, अभी 2000 मॉडल मतलब अल्टो खरीदने जाऊँगा अभी, तो ये मान के चलो कि वो वैल्यू उसकी आ रही है अभी 1,30,000-40,000 2012 मॉडल के मैं अभी आपको बदला हूँ। और वो 2012 को आप जोड़ के चलेंगे तो 12 × 24, है ना, तो 12 साल समथिंग हो गए हैं, 12-13 साल हो रहा है। और अभी 2010 मॉडल गाड़ी को देखेंगे तो 81 साल और चलेगी वो, मतलब 2024 में मेरे हिसाब से उसे ख़त्म हो जाना चाहिए 2010 मॉडल गाड़ी को। और 2010 मॉडल गाड़ी अल्टो की वैल्यू मैं आपको बतलाऊं, गिरी से गिरी कंडीशन की भी गाड़ी खरीदोगे आप तो भाई 80,000 रुपये 1 लाख रुपये, मतलब अच्छी गाड़ी अगर देखोगे वो गिरी से गिरी कंडीशन देखोगे तो 60,000 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन अच्छी गाड़ी देखोगे तो 1 लाख रुपये का धन है अभी 2010 मॉडल अल्टो भी। तो एक बात मुझे ये बताओ कि 2010 मॉडल 1 लाख रुपये की चीज़ है तो आप क्या 1 लाख रुपये की चीज़ कबाड़खाने में बेच दोगे? कबाड़े में नहीं बेच पाएंगे ना आप। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2010 मॉडल गाड़ी कबाड़े में आप नहीं बेच पाओगे 1 लाख रुपये की, धन्य होगा। कबाड़े में उसके रेट क्या होंगे? 20 से 25 हज़ार रुपये, अगर रेट तेज़ है ज़्यादा तो 30,000 रुपये होते हैं। तो 30,000 रुपये क्या आप कबाड़ी वाले से ले लोगे? नहीं ले पाओगे। तो भाई इसको वैलिड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को कितना नुकसान है। अभी तो मैं एक चलो ये तो एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, हर एक गाड़ी पे एक रूल्स है 15 साल वाला जैसा आप पूछ रहे हो, है ना, ठीक है। अभी आपके आपके क्वेश्चन जो है ना उसके मैं जवाब देता हूँ। 2006 मॉडल गाड़ी 2.5-3 लाख रुपए में, और आप जो बोल रहे हो 3 लाख-3.5 लाख रुपए में मिल जाती है, तो 2006 मॉडल गाड़ी 3.5 लाख रुपए का धन है, वैल्यू है उसकी 3 लाख रुपए की वैल्यू है। अरे नहीं नहीं करके 2.5 लाख रुपए की वैल्यू है उस गाड़ी की, तो भाई 2.5 लाख रुपए के आप कबाड़े में तुलवा सकते हैं? तुलवा देंगे क्या? या मैं तुलवा दूंगा या कोई और बंदा तुलवा सकता? नहीं तुलवा सकता। कबाड़े में उसकी वैल्यू ज़्यादा से 50,000 रुपये 70,000 रुपये कटेगी वो गाड़ी, लेकिन 70,000 रुपये और
दो ढाई लाख रुपए, तीन लाख रुपए वैल्यू रखाते हैं ना, तो इसलिए गाड़ियाँ वैलिड हो जाती हैं और होना ही चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स जो है मेरे हिसाब से वैलिड करना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट रूल्स निकाल देती है, लेकिन अच्छा है जो लोग ख़त्म पेपर पर गाड़ी चला रहे हैं उन्हें नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा एक डर बैठना चाहिए ताकि वो वैलिड करा सकें। अभी एक मैं आपको देता हूँ कि ये है स्कॉर्पियो न्यू, ठीक है, 35 लाख रुपये की या 30 लाख रुपये की। ये है थार न्यू मॉडल 17 लाख रुपये, 18 लाख रुपये की। इसके पास में फॉर्चूनर 40-45 लाख रुपए की। अभी वैल्यू इनकी इतनी है और 15 साल बाद 10-10 लाख रुपए तो वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी, तो क्या कवाड़ खाने में आप तुलवा दोगे कि जाके इन्हें नहीं तुलवा सकते। तो इनकी भाई वैलिड होंगी गाड़ियाँ और वैलिड हो भी सकती हैं। आप जो 407 देख रहा हो सकता है वो भी वैलिड हो। 2003 मॉडल अल्टो मैंने एक बार बेची थी, उसे भी वैलिड करवा चुका हूं मैं, RTO से हो गई है, ठीक है, हो जाती है वैलिड गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पेपर बीमा फिटनेस तो आजकल इंसान, हर इंसान कंप्लीट रख रहा है, और जिसकी जैसे मैंने खुद ने पर्सनल गाड़ी उठाई है, जितने उठाई है, अभी इसका वैलिड खत्म हो जाएगा तो मुझे वैलिड कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं RTO जाऊँगा, इसका जो भी चार्ज होगा वैलिड कराने का, टैक्स वगैरह वो जमा होगा और वैलिड गाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका जवाब कमेंट्स का, कैसा क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल कर ले सब्सक्राइब ताकि ऐसी नॉलेजल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।